इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान किया बड़ा कारनामा। यहां देखें दिलचस्प आंकड़े। साल 2023 समाप्त होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल टीम इंडिया को ICC वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने फाइनल छोड़कर सभी मैच में जीत दर्ज की है। कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में और इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है। इस साल रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान हैं। इस साल 2023 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अन्य कप्तानों की बात करें तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर UAE के मोहम्मद वसीम और पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे बाबर आजम हैं। इन दोनों ही बल्लेबाज ने बतौर कप्तान इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में 1332 रन बनाए हैं। बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के इस साल प्रदर्शन की बात करें तो हिटमैन ने 19 वनडे में 55 की औसत से 884 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से एक शतक निकला है और एक विकेट भी चटकाए हैं। रोहित शर्मा ने इस साल 3 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान रोहित शर्मा ने 59 से 298 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से एक शतक भी निकला है। रोहित शर्मा ने इस साल अब तक एक भी T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। आखिरी T20 मुकाबला रोहित शर्मा ने पिछले साल नवंबर में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। कप्तान रोहित शर्मा ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था। रोहित शर्मा ने अब तक 261 वनडे मैच खेले हैं, जिनकी 253 पारियों में 49 की औसत से 91 की स्ट्राइक रेट से 10,662 रन बनाए हैं। अपने वनडे करियर में रोहित शर्मा ने अब तक कुल 31 शतक और 55 अर्धशतक लगाए हैं। इस समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा भारत के लिए 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।